हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीएस क्लासेस। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक टॉपिक है जिसमें हम चार्ज ऑसिलेट करता है, चार्ज एसएसएम भी करता है, तो उस ऑसिलेशंस को, उस एसएसएम को हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। इस लेक्चर को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये लेक्चर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और उनको बेनिफिट हो। तो जैसा कि इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं कि देर आर टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, दो चार्ज पार्टिकल है जिनके पास चार्ज क्यू है। क्यू की साइन नहीं दी गई है बच्चों, प्लस माइनस नहीं दिया गया, तो मैं इसको प्लस क्यू चार्ज कंसिडर करूंगा। ठीक है, विच आर फिक्स्ड, फिक्स्ड है, चार्ज आर फिक्स्ड विथ ए सर्टेन सेपरेशन टू डी, टू डी का कुछ सेपरेशन लेके चार्जेस की जो चार्ज है वो एक्चुअली फिक्स है। टू डी की सेपरेशन लेके चार्जेस फिक्स है। और ए पार्टिकल सी हैविंग मास एम एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी के मिड पॉइंट पे हम रखते हैं। इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस एक्स, अब मैंने एक्स डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किया अलॉन्ग द लाइन ए बी। ठीक है, और यहाँ पे एक्स जो है, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू डी। ठीक है, तो अंडर वॉट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन। तो चलिए इसको समझते हैं, ये इसका पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि दे आर टू चार्ज पार्टिकल, दिस वन इज द प्लस क्यू, दिस वन इज द प्लस क्यू, ये दोनों फिक्स हैं और इनके मिड पॉइंट पे ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है 0.0 पे, ये प्लस क्यू है। अब मैं इसको लिटिल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ए बी, ए बी जो लाइन है, दिस ए बी लाइन के अलोंग ही मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा बहुत। तो हम लोग को निकालना है कि वो कौन से कंडीशन है जिसपे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो चलिए, मैंने इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड, इसको मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स, दिस एक्स। अब जब जैसे ही मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो इस पे फोर्सेस देखिए, ये वाला जो प्लस क्यू है, जो ए वर्ड ये पॉइंट पे है और जो बी पॉइंट पे है, दोनों प्लस क्यू, ठीक है, इस वाले प्लस क्यू को फोर्स लगाने लगेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा लेंगे। तो ये जो प्लस ये वाला जो फोर्स है, ये पे जो रखा हुआ है, उसकी फोर्स कुछ ऐसे इधर आएगी, दिस इज द फोर्स, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तब। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए, ठीक है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए, ये वाला जो है वो चार्ज इधर रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, और जो बी वाला है वो भी एक इधर ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देगा, रिपल्सिव फोर्स है। तो ये दिस इज द फोर्स बाय बी। अब देखिए, यहाँ पर जब चार्ज था तो इस पे नेट फोर्स क्या था, एक्चुअली ए का रिपल्सन इधर जा रहा था, ओरिजिन पे देखिए, ओरिजिन पे यहाँ पे ए का रिपल्सन इधर जा रहा था, और इस जब ओरिजिन पे था तो बी का रिपल्सन इधर जा रहा था। बाय सिमेट्री आप देख रहे हो चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कुलामिक फोर्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाय सेपरेशन डी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर का पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या आ गया, जब यहाँ पर है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स जीरो है या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अगर ऐसे रहेगा तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे रेस्ट में रह जाएगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, कोई एसएसएम नहीं होगा। ठीक है, अब ये SHM या ऑसिलेशन कैसे करेगा, हम इसको इसके मीन पोजीशन से x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे। तो जब मैं x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया x, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो A वाला जो फोर्स है वो इधर जाएगा और B वाला इधर जाएगा। अब जो A का जो ये फोर्स है FA, वो बेसिकली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू FB, क्योंकि बाईसीमेट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो गया। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर हम निगेटिव एक्स एक्सिस में इधर डिस्प्लेस करोगे इधर की डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल दोबारा अपने ओरिजिन पे आएगा, आने की कोशिश करेगा, बिकॉज एफ ए, ठीक है, एफ ए की वैल्यू ग्रेटर है एफ बी से। तो नेट फोर्स किधर लगा बच्चों, नेट फोर्स टुवार्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग गया, ठीक है,
नेट फोर्स जो है टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग गया और ये चार्ज पार्टिकल इधर आएगा। कुल मिला के जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा तो यहाँ रुक नहीं पाएगा इक्विलिब्रियम पोजिशन पे और ये कहीं इधर आ जाएगा और कुल मिला के ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और ये कुल मिला के ऑसिलेशन करने लगेगा। इस ऑसिलेशन को हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिलीज करेंगे वो ऑसिलेशन करने लगेगा। इस ऑसिलेशन को हम लोग देखते हैं, देन दिस चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन, द मीन पोजिशन ऑफ दिस मोशन विल बी दिस वन इज द मीन पोजिशन। ये मीन पोजिशन है, इक्विलिब्रियम पोजिशन है, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेट फोर्स क्या था, जीरो था। जब मैं इसको यहाँ डिस्प्लेस करूंगा तो ये चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल इधर चला आएगा बिकॉज ये नेट फोर्स इधर ज़्यादा है, तो ये कुल मिला के इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें इस मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, अगर ये प्रूव करना, पहले SHM है, ऑसिलेशन है। ठीक है, हर एक ऑसिलेशन SHM नहीं होता बच्चों। ठीक है, बट जो SHM है वो ऑसिलेटरी मोशन होगा ही होगा। ठीक है, बट हर एक ऑसिलेशन SHM नहीं होता है। और कुलामिक फोर्स की जो वैल्यू होती है, कुलामिक फोर्स वो होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो FA की वैल्यू मैं लिखूँ तो FA की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, FB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डी प्लस एक्स का स्क्वायर। डी प्लस एक्स क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ये यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ये जब यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ प्लस स्मॉल क्यू तो दिस डिस्टेंस इज डी माइनस एक्स एंड दिस विल डिस्टेंस विल बिकेम हियर इज द चार्ज दैट इज द प्लस कैपिटल क्यू, तो ये जो डिस्टेंस है डी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स है अभी, अब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स लगेगा, दैट नेट फोर्स विल एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट कराएगा। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस हम लोगों को क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ ए माइनस एफ बी। हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है आपका, ठीक है, इधर लॉजिक क्या है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या करेंगे, लॉजिक ऐसे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, वन अपॉन एम फोर्स की वैल्यू डाल दिया जाए, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज द होल स्क्वायर दिस वन। तो अल्टीमेटली वी गेट के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एम एंड वी विल ओपन दिस ब्रैकेट दैट इज डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स अल्टीमेटली डिवाइडेड बाई वी गेट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज द होल स्क्वायर दिस वन, दिस विल द टर्म्स विल कैंसिल आउट, दिस डी स्क्वायर विल कैंसिल आउट दिस डी स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट दिस एक्स स्क्वायर, दिस इज द माइनस दिस इज प्लस, अल्टीमेटली वी विल एड दैट इज द फोर, वी गेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू आफ्टर एडिशन 4 डी एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज द होल स्क्वायर। अल्टीमेटली दिस वन दिस टू डी एक्स दैट इज द 4 डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई मास एम डिवाइडेड बाई मास एम, दिस इज नाउ एक्सेलरेशन एंड ही विल पुट द माइनस साइन बिकॉज displacement x in this direction, this is the charge particle displacement acting in this direction and the acceleration is this direction, this is the x, this is the a, so we will put the minus sign restoring for restoring
Now this is not SSM, this is not SNM, this is basically the particle is doing oscillatory motion, oscillatory motion. This equation represents oscillatory motion, not SSM, ठीक है. तो SSM कब करेगा, if condition अगर हम लगा दें, मान ले अगर हम मान लें if condition लगा दें, if displacement x is very very less than is compared to separation d, now the acceleration which became like minus k small q capital Q, that is the 4 k q that is small d divided by neglect the x square, in this case here m d q will x, finally acceleration will become equal minus 4 k q capital Q over m d q or m d q, this is actually 4, so m d q multiplied by x. Now this is the simplest oscillation, the power of x is 1. So ultimately we will get that this equation is in form of a is equal to minus omega square x in SHM, a is equal to minus omega square x in SHM. Now compare this equation, simplest equation, this SHM in SHM, this equation is in SHM. कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन है अगर इस फॉर्मेट में है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ठीक है, वेयर a इज द एक्सलेशन, ओमेगा इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर वन, दैट इक्वेशन इन फिजिक्स मस्ट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ कंपेयर दिस टू इक्वेशन एंड वी विल गेट ओमेगा. After comparing these two equation, we will get omega square. Compare these two equation, we will get omega square is equal to 4k q capital Q upon m d q. This is the omega. Now time period is equal to omega is equal to 2 pi t. Omega is equal to 2 pi t. So we will get 4k small q capital Q divided by m d q, ultimately the time period will become 2 pi, m d q divided by 4 k q capital Q under root. Now more simplified form, the time period will become pi m d q over k small q capital Q under root. This is the time period of oscillation. So for a small displacement particle will doing SHM, here is the particle you doing SHM, simple harmonic motion. This equation is simple harmonic motion, and this is the condition when x is very very less than d, that oscillation will convert it into simple harmonic motion.